Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IITN Study Point, and my name is Shivashankar Asta and I am a third year student here at IIT Kanakpur. Okay, so in this video I will be explaining you the charge distribution in case of the parallel plates. Okay, so let's get started. So there are some concepts, okay, that you have to use while solving this kind of problem, okay, whether it is being earth or non-earth. Okay, so here is the concept number one. It says that facing surfaces will have equal and opposite charge. Okay, this is the concept number one, that facing surfaces will have always equal and opposite charge. Concept number two, electric field at any point inside a metal plate in electrostatic condition equal to zero. Okay, किसी भी मेटल प्लेट के अंदर वाला किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ओके, एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट व्हिच इज अर्थ. ओके, जिस प्लेट को अर्थ किया गया है उस प्लेट का पोटेंशियल जो कितना होता है, जीरो होता है. और वी कांट कंजर्व इट्स चार्ज. ओके, जिस प्लेट को अर्थ कनेक्ट किया गया है उसका चार्ज को हम कंजर्व नहीं कर सकते. ओके, देन कॉन्सेप्ट नंबर फोर, आइसोलेटेड प्लेट और आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लगा सकते हैं. जैसे कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है. सो दिस वन इज आवर आइसोलेटेड प्लेट. सो इसका जो चार्ज है हमेशा फिक्स रहेगा. कि देन कॉन्सेप्ट नंबर फाइव, भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, व्हेन नो प्लेट इज अर्थ. ओके, अगर सिस्टम का किसी भी प्लेट को अर्थ नहीं किया गया है तो इन दैट केस चार्ज ऑन एक्सट्रीम सर्फेसेस, यानी दिस वन इज एक्सट्रीम सर्फेस एंड दैट वन इज एक्सट्रीम सर्फेस, इस एक्सट्रीम सर्फेस पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू टोटल अपॉन टू. इस सिस्टम में जितना चार्ज है टोटल बाय टू होगा. व्हेन एटलीस्ट वन प्लेट इज अर्थ, ओके, अगर इनमें से कोई एक प्लेट को भी अर्थ किया गया है तो इस केस में जो चार्ज ऑन एक्सट्रीम सर्फेसेस आएगा वो जीरो होगा. ओके, सो ये ही कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हमें यूज करना है और किसी भी सिस्टम ऑफ प्लेट्स में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. ओके, सो मान लेते हैं मेरे पास तीन प्लेट्स हैं. ओके, प्लेट वन टू एंड थ्री, मिडिल वाला प्लेट को अर्थ किया गया है और इसको थ्री क्यू चार्ज दिया गया है. ओके, सो इस केस में देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है. ओके, सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले सरफेस आइडेंटिफाई करते हैं. ये है सरफेस वन, ये है सरफेस टू, ये है सरफेस थ्री, ये सरफेस फोर, सरफेस फाइव एंड ये है सरफेस सिक्स. ओके, सो ये जो है सरफेस सिक्स एंड सरफेस वन एंड सिक्स, दीज आर एक्सट्रीम सरफेस. ओके, ये है एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और ये हो गया एक्सट्रीम राइट सरफेस. ओके, उसके बाद ये जो S2 एंड S3, दीज आर फेसिंग सर्फेसेस. सिमिलरली S4 एंड S5, ये भी फेसिंग सर्फेसेस. ओके, कंसेप्ट नंबर वन क्या है, फेसिंग सर्फेसेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि एटलीस्ट एक प्लेट को अर्थ किया गया है तो आउटर मोस्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो जीरो. ओके, इस प्लेट को आप देख सकते हैं, ये एक आइसोलेटेड प्लेट है. ओके, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, थ्री क्यू. तो क्योंकि इस साइड जीरो चार्ज है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस थ्री क्यू. ओके, अगेन फेसिंग सर्फेसेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्योंकि इस पर थ्री क्यू है तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस थ्री क्यू. ओके, सिमिलरली ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, इसका इनिशियल चार्ज जीरो था, अब भी जीरो रहेगा तो इस साइड में भी चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. अगेन क्योंकि ये फेसिंग सर्फेसेस ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा. ओके, सो इन दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ओके, सो ये कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है, तो इस कंसेप्ट को यूज करके किसी भी सिस्टम प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. थैंक यू.